प्यारे भैया बहनों, जीव जो पोषण ग्रहण करते हैं वो दो प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और विषम पोषी पोषण में अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर डिपेंड रहते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसमें जो हरे पौधे जो होते हैं, जितने भी हरे पौधे, वो सारे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो और वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, उसके माध्यम से अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पौधे जो होते हैं। अब इसमें क्या है कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के वीडियो में हम समझने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसको देखा जाए तो ये अध्याय 6 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैव प्रक्रम वाला जो अपने लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इस साल की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण सहित वर्णन कीजिए। सभी हरे पौधे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल, क्लोरोफिल एक हरा पदार्थ होता है जो हरे पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, जल का यूज करेंगे H2O, साथ में क्या रहता है कि सूर्य का प्रकाश ये जो उनके पास में जो कच्चे पदार्थ है इनको ऊर्जा देने का काम करता है, और साथ में क्लोरोफिल जो रहता है वो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, इससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जल बनता है कुछ मात्रा में और साथ में ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस समीकरण को संतुलित करना है, सीधा सा तरीका आपको बता रहा हूं। जल के इसमें 12 अणु भाग लेते हैं तो H2O के सामने हम 12 लिखेंगे। जितना इसमें भाग लिया जाता है उससे आधा जल वापस इसमें बन जाता है, तो 12 जल के अणु इसमें यूज किए थे तो 6 वापस इसमें बन जाते हैं। बाकी सभी जगह 6-6 कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी 6 अणु रहेंगे और ऑक्सीजन के भी 6 अणु रहेंगे जो बनेंगे। और इसमें क्या है कि ग्लूकोज का 1 अणु इसमें बनता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।